जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, 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 जय जय श्री राम, जय श्री राम। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। जय श्री राम दोस्तों, जय जय श्री राम। मुंबई टू अयोध्या पैदल यात्रा करते करते आज हमें पूरे टोटल हो गए 22 दिन। दोस्तों सुबह सुबह मॉर्निंग में हम चाय पीकर निकले और कुछ खाने के लिए हमें नहीं मिला। खाने के लिए था, समोसा था, कचौड़ी था, पकोड़ा था, लेकिन इतनी सुबह सुबह हम खाएंगे तो हमारा पेट ख़राब हो सकता है, तो हम नहीं चाहते कि वो हो। इस टाइम सुबह सुबह हेल्दी एप्पल खा रहे हैं और आप मेरे पीछे पूरा देख सकते हो, सुमसान रोड है और इस तरफ पुलिस की वैन खड़ी है, देख सकते हो। और हम अभी राहतगढ़ के लिए आगे निकल रहे हैं। कल रात को बड़े इंस्पेक्टर आए थे जिनका 3 स्टार होता है ना, वो हमारी देखभाल के लिए आए थे, हालचाल पूछने के लिए, और बोले थे एक और बार राउंड अप पे हम आएंगे ऐसे करके। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। बाकी यात्रा को आरंभ करते हैं। जय जय श्री राम। चलिए तो पे आप देख सकते हो ढेर सारे बंदर ही है, कितने प्यारे लग रहे हैं ये, और धूप भी निकल आई है ये। तो दोस्तों बहुत दिन बाद हमें मैगी मिल रही है खाने के लिए, जो बोलता है ना ऐसा हमने बोर्ड पे देखा तो वो आंखों में एकदम छप गई कि नहीं अब मैगी खाना है। लंच के लिए बैठे बाय द वे, और मंगाया है हमने आलू के पराठे, ये तो खाते रहते हैं, हमने वीडियोस में भी देखा होगा। और ये दही है, और इन लोगों के लिए भी आलू के पराठे दही है, मेरे लिए ये है सर। और अभी लंच में भी और भी कुछ मंगाएंगे, इतनी धूप है बहुत जल्दी भूख लगती है। हम लोग नहीं कर पा रहे हैं।
हो गई चाचा हाँ सैलू भाई बाजू में हो जाता जय जय श्री राम जय जय श्री राम चलने दे अपने नहीं बंद कर दे जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम। मुंबई से दीदी आई हैं जो अयोध्या के लिए प्रस्थान कर रही हैं। आज उनका भव्य स्वागत राजगढ़ विधि अड्डा जय जय श्री राम सभी हिंदू सनातन धर्म द्वारा जय जय श्री राम जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम 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 दीदी जय जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय जय श्री राम जाऊ जी से राम राम कहना हाँ चरणों तक तो आप पहुँच ही रहे उनकी सौभाग्य स्वागत जय जय श्री राम जय श्री राम जय जय श्री राम जय श्री राम जय जय श्री राम जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम 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 अरे इनको लगा लो पहले माता लोगों को मिलने दो मिलने दो आप खड़े रहते हैं वीडियो बना रहे हैं इनको लगा जी है साहब हम बना रहे हैं जय श्री राम जय श्री राम चलो तुम्हारा बाजी वो थोड़ी चलो जगह दियो आकाश भाई आ जाते हैं ये क्या बहुत अच्छी दूरी हो मुझे थोड़े पीछे हो आकाश भाई जय श्री राम जय श्री राम हाथ मेरा जगह नहीं है एक ही नारा जय श्री राम जय श्री राम एक ही नारा एक ही नाम जय श्री राम जय श्री राम भारत माता की जय वंदे मातरम वंदे मातरम जय जय श्री राम जय जय श्री राम के लिए आश्रम यहाँ बना रही है मैं बहुत गौरवान्वित है हम हिंदुओं को बहुत गौरवान्वित हुए हैं जो आज वो यहाँ पे बना रही है और जिस मकसद के लिए आप आगे बढ़ रही हैं हम आशा करते हैं कि आपकी जर्नी है वो बहुत खूबसूरत है रास्ते में कोई भी कांटा आए तो वो ऐसी फूल की तरह बन जाए आपके लिए सारी समस्याओं का हल हो जाएगा जहाँ राम का नाम जुड़ जाता है वहाँ सारे कष्ट अपने आप मिटकर आपका जो लक्ष्य है वो पूरा हो ऐसी मैं कामना करता हूँ कि हमारा भारतीय जनता का युवा मंडल है और आप सबको जय श्री राम पानी के
पाउच वगैरह। तो दोस्तों आप देख सकते हो मैंने मेरा गेटअप चेंज कर लिया है, बुरखा डाल लिया है क्योंकि मैंने लिमिटेड कपड़े लाए थे। चप्पल तो टूट ही गए, जूते भी टूट गए, प्लस अभी ये है कि कपड़े भी फट गए, पूरा जो मैंने नीचे का लोअर लाया था वो ऑलमोस्ट पूरा फट चुका है, डैमेज हो चुका है। और मैं मार्केट एरिया में जा नहीं सकती हूँ, तो मेरे साइज़ का कपड़ा भी किससे बोलूँ लाने के लिए। तो एक मुसलमान अंकल थे, उन्होंने मुझे ये बुरखा गिफ्ट किया कि मतलब जब मैं ऐसी बात कर रही थी एक जन से, तो उनको मैंने रिक्वेस्ट की थी कि मुझे कपड़े चाहिए, तो थोड़ा कोई शहरी इलाका है तो बताइएगा। तो उन्होंने बोला शहर में तो मुझे जाना ठीक नहीं रहेगा क्योंकि लोग फिर निकलने नहीं देंगे, ख़रीदना तो छोड़ ही दो, मैं निकल नहीं पाऊँगी। तो अंकल ने बोला कि एक मुसलमान अंकल थे, उन्होंने बोला आप बुरखा पहनो, वो आपके लिए अच्छा रहेगा क्योंकि सफ़र है, कपड़े नहीं है, तो अंदर आप कुछ भी पहन सकते हो, तो ऊपर बुरखा रहेगा तो सेफ है। इसलिए मैंने ये कपड़ा ले लिया। हमारी क्या बहन है, छोटी बहन है हमारी।